स्टील के बने क्रिकेटर स्टीव स्मिथ, ये एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन कप्तान हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और अपने प्रतिद्वंदी का काम तमाम कर देते हैं। ये एक ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा उगल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के बे इंतहा प्रेम ने इनको बचपन में अपना स्कूल छोड़ने पर और एक ड्रॉप आउट बनने पर मजबूर कर दिया? और क्या आप ये जानते हैं कि उनका सिर्फ 5 फीट 9 इंच का कद है और वो शुरुआती दिनों में लड़कियों जैसे शर्माते थे और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से भयभीत हो जाते थे और इसी वजह से उनके साथ ही उनका बहुत मजाक उड़ाते थे? जानेंगे हम उनकी निजी जिंदगी की कहानी और ऐसी कई बातें। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। स्टीव स्मिथ का पूरा नाम स्टीवन पीटर डेवरा स्मिथ है। उनका जन्म 2 जून 1989 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। स्टीव के पिता का नाम पीटर स्मिथ है और उनकी माँ का नाम जिलियन स्मिथ है और वो यूरोपियन वंश की हैं। उनके पिता के पास रसायन विज्ञान की डिग्री थी और वो मोम और रंगों के साथ काम करते थे। टेनिस के जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट भी काफ़ी प्रसिद्ध है और शुरू से ही स्मिथ का झुकाव क्रिकेट के प्रति कुछ ज़्यादा ही था। बचपन से ही स्मिथ को टीवी पर क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। उनके पिता को भी क्रिकेट के प्रति लगाव बेहिसाब था और उन्होंने स्मिथ को एक बढ़िया क्रिकेटर बनाने की ठान ली। स्मिथ के साथ उनके पिता ढेर सारा समय व्यतीत करते और क्रिकेट का प्रशिक्षण देते। उन्होंने फिर मैनाई हाई स्कूल में दाखिला ले लिया और पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उनका चुनाव अंडर 8 टीम में हो गया और उनका पहला सीजन उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में खेला। उनका क्लब आइलेवोंग क्रिकेट क्लब था, जिसको अब आइलेवोंग मैनाई क्रिकेट क्लब कहा जाता है। उन्होंने एक के बाद एक 11 सीजन्स खेले और अपनी प्रतिभा को खूब निखारा। जिस प्रकार दूध के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, उसी प्रकार स्मिथ का छोटी सी उम्र में इतना बेहतरीन खेल देख उनके भविष्य का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उनके पिता ने स्मिथ को 16 साल की उम्र तक खुद ही प्रशिक्षण दिया, लेकिन उसके बाद उनकी मदद करने के लिए कई और लोगों ने हाथ बढ़ाया और उनके पिता से बेहतर प्रशिक्षण देने की इच्छा जताई। अब उनके पिता ने ये कमान प्रोफेशनल ट्रेनर्स को दे दी और बाद में बताया कि उसके बाद वो सिर्फ एक तरह से बैक स्टेज पर ही रहे। उनके पिता ने ये भी बताया कि स्मिथ के प्रशिक्षण में सबसे बड़े मददगार थे फिल जैक्स। फिल की निगरानी में अब स्मिथ अपना खून पसीना बहाकर क्रिकेट में चमचमाते सितारे बनने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन उनकी पढ़ाई अब उनके क्रिकेट करियर का रोड़ा बनने लगी थी। ना वो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाते, ना पूरी तरह से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर पाते। उनकी ग्रेड्स भी धीरे धीरे गिरने लगी और आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब अपनी पढ़ाई पूरी तरह छोड़ देंगे और क्रिकेट पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। इस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 17 साल। अब उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने का एक मौका मिला जब उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 जनवरी 2008 को अपना डेब्यू किया और 33 रन बनाए। उन्होंने बल्ले के साथ साथ अपनी गेंदबाजी से भी विरोधियों पर प्रलय ढाला और 2008 KFC बिग बैश टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए। अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर वो अब क्रिकेट प्रेमियों की आंखों के तारे बनते जा रहे थे। चूंकि उनकी माँ इंग्लैंड से थी और पिता ऑस्ट्रेलियन थे, उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते या फिर इंग्लैंड की तरफ से। बहुत सोच समझने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलेंगे और इंग्लैंड ने एक बेहतरीन खिलाड़ी खो दिया। फरवरी 2010 में उन्होंने फिर अपना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरनेशनल डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ एक 2020 इंटरनेशनल मैच से किया। उसी महीने उन्होंने अपना पहला ODI वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। शुरुआत में वो लेग स्पिन बॉलिंग करते थे और उनकी तुलना अक्सर शेन वॉन से हुआ करती थी। स्टीव स्मिथ जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तब वो काफ़ी डरे डरे रहते थे। वो सिर्फ उस वक्त 20 साल के थे और उनकी हाइट भी दूसरे खिलाड़ियों से थोड़ी कम थी और वो काफ़ी शर्मीले भी थे। सोशल मीडिया पर उनका कई बार मजाक भी बनाया जाता था और ड्रेसिंग रूम में भी उनके साथी खिलाड़ी उनको चिढ़ाते थे। लेकिन उनकी खेल में उन्नति को देख ये सब धारणाएं गलत साबित होने लगी और आज उनकी इज्जत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में सबसे ज़्यादा है।
2014 में उनको ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम का कप्तान भी बना दिया गया और डॉन ब्रैडमैन के एक ही सीरीज में 715 रन बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने 769 रन बनाकर तोड़ दिया। अगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो वो बेसबॉल खेल बहुत पसंद करते हैं और बॉस्टन रेड सॉक्स नाम की टीम को सपोर्ट करते हैं। उनको घुड़सवारी का भी काफ़ी शौक है। वो रॉजर फेडरर के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी माने तो रॉजर फेडरर से मिलना उनकी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया क्षण था। अगर आप चाहते हैं कि मैं रॉजर फेडरर पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपको क्या लगता है, क्या स्टीव स्मिथ रिकी पॉन्टिंग से बेहतर कप्तान है और आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जितना प्यार आपने ग्लोबल कहानियों को दिया है उतना ही दे हमारे नए चैनल ग्लोबल विज्ञान को और जानिए कि क्या समय की यात्रा मुमकिन है, क्या हम हमेशा अतीत में जीते हैं और क्या 100 साल बाद रोबोट्स हम पर राज करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ग्लोबल विज्ञान, देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।